नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, चीन को पीछे हटाने के लिए अजीत डोभाल को मिली जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स खरीदने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक नाराज। कोरोना के मामले में भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंचा। प्रियंका गांधी के बंगले में रहेंगे अमित मालवीय। सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट पर सरकार ने लगाई रोक, अब फेसबुक पर होगी ऑनलाइन पढ़ाई। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि देश दुनिया के सभी फायदेमंद खबरों से आप रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन हरकतों से बना आता देख अब नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस मोर्चे पर लगाने पर विचार कर रही है। सरकार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तंत्र से बॉर्डर मुद्दा सुलझाने पर विचार कर रही है। इसमें अजीत डोभाल और चीन में उनके समकक्ष वांग यी के बीच बातचीत होगी। पाकिस्तान को कई बार अपने प्लांटों से पटखनी दे चुके डोभाल अब चीन की सेना को पीछे हटाने पर मजबूर कर देंगे। देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,248 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि भारत में कोरोना के मामले रविवार को रूस से भी ज्यादा हो गए, जिसके बाद भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। चीन ने कहा कि 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में निर्मित चीनी दूतावास के भवन में बड़ी मात्रा में वायरलेस यंत्र रखे हुए हैं। चीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ चीन को चेतावनी दे रहा है और दूसरी तरफ उसकी जानकारी और डेटा चोरी कर रहा है। चीन का आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया उसकी तरफदारी करने वाले अपने ही सांसदों की खुफिया जाँच करवा रहा है। सरकार ने ल्यूटन्स जोन में स्थित जो बंगला भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बुलिनी को आवंटित किया है, उसमें फिलहाल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रहती है। मंत्रालय ने गत 1 जुलाई को प्रियंका गांधी के बंगले का आवंटन रद्द करते हुए कहा था कि वह SPG सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं है। सरकार ने कांग्रेस के महासचिव को 1 अगस्त तक मौजूदा आवास 35 लोधी स्टेट खाली करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना और अनलॉक 2 के बीच दिल्ली वासियों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में DRDO, टाटा और हमारे सशस्त्र बलों के चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जो इस मौके पर आगे आए और आपातकाल से निपटने में मदद की। मध्य प्रदेश की खूबसूरत लोकेशन पर एक बार फिर फिल्म्स सीरियल्स एवं वेब सीरीज की शूटिंग शीघ्र ही प्रारंभ हो सकेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की ओर से फिल्म्स एवं सीरियल्स की शूटिंग के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक सोनिया मीणा ने बताया कि इस एडवाइजरी में भारत एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियम बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग को जल्द ही सैनिक स्कूल की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 2017 में रक्षा मंत्रालय के संस्थान DRDO के लिए 334 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार ने दी है और सैनिक स्कूल के लिए राज्य सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर ली है। प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट पर सरकार ने रोक लगा दी है, यह जानकारी गृह मंत्रालय ने दी। अमेरिका स्थित सिक्स फॉर जस्टिस एक समूह है जिसने अपने उद्देश्य के लिए समर्थकों के पंजीकरण करने के वास्ते एक अभियान शुरू किया था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि CBSE और फेसबुक मिलकर छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑगमेंटेड रियलिटी और पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। आज से शिक्षक और छात्र कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप एलिमेंटस लॉन्च करते हुए कहा कि हर भारतीय को लोकल भारत को ग्लोबल भारत में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को अपनाने की जरूरत है। उन्हें नवोन्मेष और उद्यमशीलता के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आह्वान किया। भाजपा ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के पार्टी कार्यालय में पुस्तकालय खोला है। इस पुस्तकालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी के इस जिला कार्यालय में बने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय में 1,000 से ज्यादा किताबें रखी गई है और ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, जहाँ कार्यकर्ता ऑनलाइन उपलब्ध मन पसंद किताबें पढ़ सकते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य नेताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। वह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने भारत के विकास के लिए बड़ा योगदान दिया। मुखर्जी ने भारत की एकता को आगे बढ़ाने के लिए साहसी प्रयास किए। उनके विचार और आदर्श देश भर में लाखों लोगों को ताकत देते हैं। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स खरीद पर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए ट्विटर पर कहा कि पीएम केयर्स की अपारदर्शिता के कारण देश के जनता के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है और लोगों के पैसे का इस्तेमाल घटिया क्वालिटी के उत्पाद खरीदने में किया जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 404 नए मामले मिलने के बाद राज्य में इनकी संख्या 11,864 हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 277 मरीजों के ठीक होने से डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 8,765 हो गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि देश में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जो दो राज्यों में स्थित है। उन्होंने ट्वीट किया, सूरत भुसावल लाइन पर नवापुर एक ऐसा स्टेशन है जहां स्टेशनों के बीचों बीच दो राज्यों की सीमाएं लगती है, इसीलिए स्टेशन का आधा भाग गुजरात में तो शेष आधा महाराष्ट्र में है। हैदराबाद की कोरोना पीड़ित डॉक्टर आसरा सुल्ताना का दावा है कि एक निजी अस्पताल में उनसे 1.15 लाख प्रतिदिन वसूल रहा है। एक सरकारी अस्पताल के असिस्टेंट सिविल सर्जन आसरा के मुताबिक उनका पूरा परिवार पॉजिटिव था और निजी अस्पताल में भर्ती था। उन्होंने वीडियो में कहा, मेरे भाई ने कुल 1.9 लाख का भुगतान किया, वे हमें डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। बीते 26 साल में टिड्डी दल का सबसे बड़ा हमला झेल रहे भारत के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ ने चेतावनी जारी की है कि देश को अगले 4 हफ्तों तक टिड्डी दल के हमले को लेकर हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। साथ ही बताया गया है कि मानसून की शुरुआत के साथ आने वाले दिनों में टिड्डी दल राजस्थान लौट सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना दर लगातार कम हो रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 23 जून तक यह दर 24% थी, जो अब घटकर 10% से कम हो गई है। बता दें कि देश में अगर इसी तरह कोरोना के मामले कम होते जाएंगे तो भारत जल्द ही कोरोना मुक्त देश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। सरकार में मौका न मिलने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने दावा किया कि जबलपुर और रीवा संभाल के लोगों में नाराजगी है। महंगाई से जूझ रही जनता को सरकारी तेल कंपनियों ने राहत दी है। आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जून में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग नरमी रही थी, लेकिन इस दौरान देश में लगातार 21 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।